Om Shanti. स्वमान की सीट सर्वश्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर बैठने से समस्याएं सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाती हैं। स्वमान में स्थित आत्मा हर परिस्थिति को सहज ही पार कर लेती है। स्वमान हमारी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करता है। स्वमान हमारे अभिमान को नष्ट करता है। और जिन्हें सम्मान चाहिए वे भी स्वमान का अभ्यास ही करें, क्योंकि स्वमान करने से सम्मान परछाई की तरह पीछे पीछे चलता है। तो आइए हम पूरा समय, पूरा संगम युग स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएं। पहले इसके लिए मनुष्य को बहुत अच्छा अभ्यास करना होता है, बार बार अभ्यास करना होता है। मैं एक महान आत्मा हूँ, या मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, या मैं पूर्वज हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ। ये सब हमारे स्वमान हैं। इन्हें फील करके, इनका अनुभव करते चले, उसमें आ जाएं। मैं जहान का नूर हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं सृष्टि का श्रृंगार हूँ। तो अपने को ऐसा माने कि हम साधारण नहीं हैं, हम बहुत महान हैं, हम इस संसार की ब्यूटी हैं। इसलिए हमें वो सब नहीं करना है जो संसार के लोग कर रहे हैं। हमें संसार के लोगों को देखना भी नहीं है कि वे ऐसी वैसी कमाई करके बड़े साहूकार बन गए। हम तो ईमानदार रह के पीछे ही रह गए। हमारे बच्चे भी हमें रोज कहते हैं, तुम तो इस ईमानदारी के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाए। हमें पुण्य कर्मों को बढ़ाना है और मनुष्यों को देखकर या उनकी मत पर चलकर अपने स्वमान की सीट को भुला नहीं देना है। हम महान हैं, हमारा जन्म ही महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। हमें वही महान कर्तव्य करने हैं, बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है इस संसार को पवित्र बनाने में सहयोग करने के लिए। हमें वो महान कार्य करना है। लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, जो इसको सुनता है और देखता है वो अपने श्रेष्ठ स्वमान से और महान कर्तव्यों से दूर चला जाता है। तो आइए अंतर्मुखी बने। अंतर्मुखी बनकर बहुत गहराई से अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। हम श्रेष्ठ स्वमानधारी हैं। स्वमान में स्थित होने से हमारे वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हमारी स्थिति बहुत महान हो जाती है। हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। हमारी पवित्रता जो मर्ज थी वो इमर्ज होने लगती है। और हमसे क्योंकि पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं, इसलिए इन वाइब्रेशंस से समस्याएं आती भी नहीं और जो आती हैं जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इनसे हमारी स्थिति अचल अडोल बनती है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि अपनी स्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां हमें खेल की तरह महसूस होती हैं। तो क्या इस सीट पर बैठे रहना बहुत कठिन काम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो हमारी अपनी सीट है। इस पर बैठना तो हमारा अधिकार है। इसके लिए न हमें किसी की आज्ञा लेने की जरूरत है, न किसी डाउट का प्रश्न है। ये हमारी सीट है। तो आइए आज सारा दिन स्वमान की सीट पर स्थित रहें।
पांच सुमन ले लें, मैं एक महान आत्मा हूँ, विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। बार बार इन्हें याद करेंगे और इनको फील करेंगे कि सचमुच मैं ये हूँ, और बीच बीच में अपना विजन देखेंगे, मैं एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हूँ राजा, और चारों ओर मुझसे वाइब्रेशन फैल रहे हैं, जैसे कि मैं प्रजा की पालना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ओम शांति।